हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपनी लास्ट सीरीज की थी ज्योग्राफी की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी वो पूरी की पूरी आपको डिटेल में समझा दी थी। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स वगैरह पूरा समझाया था। अब उसी तरह अब हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएनके, ठीक है। इस टॉपिक्स में ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसमें मैंने आर्ट और कल्चर जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, किस तरीके से हमारे जम्मू का कल्चर है, कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन से म्यूजिक के फॉर्म्स हैं, कौन से डांस फॉर्म्स हैं, ये हर एक चीज़ मैंने आपको समझानी है, ठीक है, इस अपने आर्ट और कल्चर के ये जो हमारा टॉपिक आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें मैंने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का जो भी आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं वो सारे के सारे क्लियर करने हैं इन्हीं लेक्चर सीरीज के अंदर, जिसके बाद आपका जो आर्ट एंड कल्चर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ कल्चर के अंडर फेस्टिवल्स एंड मेलास, ठीक है। अब हमने जम्मू कश्मीर के, पूरे जम्मू के भी और कश्मीर के भी हमने फेस्टिवल्स देखने हैं और यहाँ पे कौन से मेलास जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। अब जम्मू में मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा फेमस मेला ऑर्गेनाइज होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं, फेस्टिवल्स तो हमारे चलते ही रहते हैं, मतलब साल में 50 से ऊपर फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने देखे हैं। अब हर एक फेस्टिवल तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है, जो स्टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे इस टाइम पे फेस्टिवल्स। और पूरा का पूरा ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसकी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएनके की, ठीक है। ये जो फेस्टिवल्स एंड मेलास का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस पे, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएनके में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब सीधा टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो सबसे पहले आ जाता है, देखो बेटा ये फेयर्स और फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये हमारी ये जो फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर का, ये हमारा एक रिच कल्चर, रिच हेरिटेज को दर्शाते हैं, ठीक है। हमारा कल्चर कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा एक कहते हैं ना रिच कल्चर है हमारा, वो सारा का सारा दिखाते हैं हम ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों के फेस्टिवल्स हो, चाहे हिंदुओं के फेस्टिवल्स हो, चाहे सिखों के फेस्टिवल्स हो, ये सारे के सारे हम लोग जो फेस्टिवल्स हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे तरीके से मिलकर मनाते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे जो डाइवर्सिटी है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो डाइवर्सिटी है वो पूरे के पूरे दुनिया में झलकती है और एक रिच डाइवर्सिटी वाला जो स्टेट है उसको शो करती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ज्यादा खुशी से हर्षोल्लास से हर एक फेस्टिवल अपना मनाते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि मतलब लद्दाख के भी फेस्टिवल्स वगैरह ऐड होते थे, उनके भी जो लद्दाखी कल्चर है, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिच कल्चर है, उसको भी ऐड करते थे, लेकिन अब यूटी बन चुकी है, ठीक है, तो वो अलग यूटी आती है, हमारी अलग यूटी आती है, तो हमने इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की रेफरेंसेज पर ही पढ़ना है, हमने लद्दाख की रेफरेंस पर इस टाइम पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम अपने फर्स्ट जो हमारा फेस्टिवल आता है जो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है उसकी तरफ जाते हैं, जिसका नाम है अर्स, ठीक है। ये जो अर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे किसका, कश्मीर का, या फिर हम बात करते हैं जम्मू का, जम्मू में भी मतलब जो ज़ियारतें वगैरह हैं उसका होता ही है। ये इमेजेस पे नहीं जाना, ये सिर्फ मैंने मुस्लिम कल्चर जो है, जो रिच कल्चर है उसको दिखाने के लिए लगाया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि जब मतलब मुस्लिम हमारे भाइयों का कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो किस तरीके से, किस पैमाने पर उनकी गैदरिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये जामा मस्जिद है दिल्ली की फोटो, कितनी ज़्यादा गैदरिंग है आप खुद देख सकते हो, कितना ज़्यादा क्राउडेड है, तो ये बताते हैं कि कितना रिच कल्चर है हमारे मुस्लिम भाइयों का, जो कि गैदरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर कर देते हैं ये गैदरिंग वगैरह, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं किसकी, अपने फर्स्ट फेस्टिवल की जो कि है अर्स, इसको जियारत भी कहा जाता है। देखो बेटा इसमें मतलब क्या होता है कि जब किसी बहुत बड़े सूफी संत, ठीक है, जो बहुत बड़े सूफी संत हैं, ठीक है, मुस्लिम प्रीस्ट हैं, ठीक है, मुस्लिम प्रीस्ट हैं, संत हैं, इनकी मतलब जो डेथ एनिवर्सरी होती है तब मनाया जाता है, ठीक है। किसी भी बड़े सूफी संत की डेथ एनिवर्सरी को उर्स कहते हैं, उसी फेस्टिवल को उर्स मनाया जाता है, ठीक है। और ये जैसे कि मैं बात करता हूँ, जब डेथ एनिवर्सरी होती है पदमोल साहिब जी की, तो उसको कहा जाता है उर्स ऑफ पदमोल साहिब, ठीक है, फिर उर्स ऑफ मिशा साहिब, उर्स ऑफ बहाउद्दीन, ठीक है। जो भी सूफी संत, जब सूफी संत होते हैं हमारे कश्मीर के जो, या फिर जो बड़े बड़े सूफी संत हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उर्स मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि उर्स ऑफ बदमोल साहिब हो गया, उर्स ऑफ मिशा साहिब हो गया, उर्स ऑफ बहाउद्दीन हो गया, ऐसे भी बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो इमेजेस हैं ये मैंने सिर्फ गैदरिंग्स वगैरह बताने के लिए बताई है कि किस तरीके से जब हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो किस तरीके से उनकी गैदरिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया मुस्लिम भाइयों का एक फेस्टिवल जिसका नाम है उर्स, ठीक है, जो कि सूफी संतों की डेथ एनिवर्सरी पर होता है। दूसरे फेस्टिवल्स पर आते हैं ईद उल अज़हा,
या फिर ईद उल फितर, ठीक है। ईद का नाम तो हम सबने सुना है, ठीक है। अब ईद जो है हमारे देश का ही नहीं, हमारे देश का ही नहीं, स्टेट का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद ही माना जाता है और वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हमारे कश्मीर के भी, और कश्मीर का ना एक कश्मीर की सबसे मतलब कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, या फिर जगह आप बोल सकते हैं एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिवीजन है। तो जब वहाँ पे ईद होती है या कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता है तो एक जो रौनक होती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है कश्मीर में, ठीक है। जब ईद आने का टाइम होता है, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाजार वगैरह बनाए होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है। और ये पूरा का पूरा बताती है कि कितना ज़्यादा रिच कल्चर है मुस्लिम भाइयों का हमारे कश्मीर में, ठीक है। ये दो फेस्टिवल्स मैंने आपको बताए, दो फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया, एक उर्स का बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ठीक है। ये जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है ये ईद ही होती है, ठीक है। अब जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे इस फेस्टिवल का कहते हैं ना एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको मनाया जाता है। मतलब पता चलता है कि यार ये फेस्टिवल आने वाला है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस फेस्टिवल के लिए, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कश्मीर के एक और बहुत खास फेस्टिवल की तरफ, जिसका नाम है ट्यूलिप फेस्टिवल्स, ठीक है। ये जो कश्मीर के ट्यूलिप्स हैं, कश्मीर में बहुत सारे ट्यूलिप गार्डन्स हैं, कश्मीर की अगर मैं पूरी डिवीजन की बात करता हूँ बहुत सारे कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन्स हैं, विद द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स इन द एशिया। अब बात करता हूँ मैं जो श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। क्या नाम है बच्चे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि सबसे बड़ा एशिया का ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। अब ये जो ट्यूलिप गार्डन है ना, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होस्ट करता है कश्मीर में स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग में ही ये जो होते हैं ट्यूलिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग के टाइम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज या होस्ट करता है, जिसको देखने के लिए खाली हमारे कश्मीर से ही नहीं या कंट्री से नहीं बल्कि फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं जो कि इसको देखते हैं। और अब जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने तो ट्यूलिप्स देखे हैं, ठीक है, उन्होंने तो ट्यूलिप गार्डन्स वगैरह देखे हैं वहाँ पे, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं ना उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मतलब कहते हैं ना नज़ारा होता है। जिन्होंने लोगों ने ट्यूलिप्स नहीं देखे, जिन्होंने इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं देखी, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है, ठीक है। तो इसमें आगे आपका सबसे पहले तो आ जाता है पहला ऑब्जेक्टिव, जो कि आ गया कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, वो आ जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। कौन सा आता है बच्चे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। और ये कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, ये आ जाता है बच्चे श्रीनगर में, ठीक है, जो कि हमारी कैपिटल है, विंटर समर कैपिटल है हमारी, उसी में आ जाता है कौन सा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। और यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, स्प्रिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किस सीजन में जो है ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप लोग बोलोगे स्प्रिंग सीजन जो है उसमें ट्यूलिप फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इतनी सी स्लाइड के अंदर ना ये जो इतना सा टॉपिक है इसमें आपके तीन इंपॉर्टेंट MCQs आ चुके हैं, एक आ गया इंदिरा गांधी मेमोरियल वाला, एक आ गया स्प्रिंग सीजन में किया जाता है, दूसरा आ गया श्रीनगर सिटी में होता है, ठीक है। ये इसकी रेफरेंस के लिए आप वो देख सकते हैं इमेजेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शिकारा फेस्टिवल। क्या आता है बच्चे, शिकारा फेस्टिवल। हाँ, कभी आप लोग इमेजिन कर सकते हो डल लेक को बिना शिकारे के, ठीक है। तो ये जो शिकारा होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देते हैं किसकी, हमारी डल लेक की। ये लाइफ लाइन भी मानी जाती है डल लेक की। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्या है हमारे डल लेक की या लाइफ लाइन क्या है, तो वो कौन सी आ जाती है हमारी, ये जो शिकारा होते हैं, ठीक है। और ये फेस्टिवल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंकरेज करता है हमारे लोगों को, मतलब वहाँ के टूरिज्म जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा इंकरेज करता है। ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया इस शिकारा फेस्टिवल का, कि शिकारा फेस्टिवल जो था वो स्टार्ट कब किया गया था। तो आप बोलोगे 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। इस टाइम पे क्या होता है, जब शिकारा फेस्टिवल वगैरह आने वाला होता है ना, तो इस टाइम पे शिकारा जो होते हैं उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है फूलों वगैरह से, ठीक है। फिर रेसेस होते थे, शिकारा रेस, ड्रैगन रेस, कैनोपी रेस होती है, ठीक है, कैनोपी रेस होती है, ये मार्च वगैरह ये सारी के सारी की जाती है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसमें कि ये कब होता है, ये होता है जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है, ये जुलाई या अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दो ऑब्जेक्टिव्स मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। एक आ गया कौन सा, कि ये कब स्टार्ट किया गया
गया था? ये किया गया था 2016 में, ठीक है, 2016 में स्टार्ट किया गया था। और कब ये मतलब पूरा का पूरा मतलब कब होती है रेसेस वगैरह, तो ये होती है हमारी जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स देखे बच्चा? इस स्लाइड में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख लिया हमने कि जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो कब ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रिंग में होता है। इसको होस्ट कौन करता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि कहां पे है? श्रीनगर में, ठीक है। ये तीन आगे। और अब हम बात करते हैं शिकारा फेस्टिवल की। जो शिकारा फेस्टिवल है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आया कि वो कहां मतलब डल लेक में तो होता ही है ना, डल लेक में होता है। और इसका आ जाता है ये कब ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब पहली बार ये कब किया गया था? ये किया गया था 2016 में, ठीक है। पहला आ गया कि डल लेक में होता है, दूसरा आ गया कि 2016 में हुआ था, और तीसरा आ गया हमारा ये कब होता है, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट्स वगैरह मार लो। मुझे किसने बोला था सर टाइम तो दिया करो स्क्रीनशॉट मारने के लिए, तो आज ले लो अच्छे से टाइम यार, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट फेस्टिवल्स की तरफ आते हैं, जो कि है लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी का फेस्टिवल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसको साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है? पोंगल। साउथ इंडिया में इसको क्या कहा जाता है बच्चे? पोंगल फेस्टिवल। और लोहड़ी जो है इसको पंजाब में कहा जाता है, जम्मू में भी कहा जाता है, पंजाब में भी कहा जाता है, दिल्ली में भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है साल में? 13th या फिर 14th जैन को, ठीक है, 13 या 14 जैन को ये मनाया जाता है, ठीक है। किसी साल 13 को मनाया जाता है, किसी साल 14 को मनाया जाता है, इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे लोहड़ी, ठीक है। अब जो जम्मू की लोहड़ी होती है ना, वो भी जैसे पंजाब की तो है ही फेमस है ना, पंजाब की लोहड़ी तो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उसी तरीके से हमारे जम्मू की लोहड़ी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब छज्जा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ढोल वगैरह लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद जितने भी यंग लड़के होते हैं, ठीक है, ये सब मतलब लोहड़ी मांगने जाते हैं, या लोहड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से गाने वगैरह गाते हैं, परफॉर्म किया परफॉर्मेंस वगैरह होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और सारे के सारे जब रात का टाइम होता है, हम बॉनफायर जला के फिर उसके बाद सारे बैठते हैं, ठीक है, उस टाइम पे सर्दियों की जो इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी डिशेस वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं, उस टाइम गच्चके वगैरह खाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मैं बात करता हूँ, इस मतलब लोहड़ी वाले फेस्टिवल की मैं बात करता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट? एक आ गया कि इसको साउथ इंडिया में कहा जाता है, आप बोलोगे पोंगल, ठीक है। और दूसरा इसकी ये कब मनाया जाता है? 13 या 14 जैन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन साउथ इंडिया में लोहड़ी को क्या कहा जाता है ये जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारा? महाशिवरात्रि। ये देखो मैंने लोहड़ी के जो हमारे भाइयों पंजाब के भाइयों की फोटो भी लगाई हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं किसकी तरफ? महाशिवरात्रि की तरफ। महाशिवरात्रि जो है हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है महाशिवरात्रि, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको और क्या कहा जाता है? हिरत। क्या कहा जाता है बच्चे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है बच्चे? हिरत, जो कि हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी ऐसे भी शिवरात्रि तो होते ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको मतलब हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं कि इसको शिवरात्रि को। इस दिन वो पूजा वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह जाना पूरा कहते हैं 2 दिन तक चलता है उनका ये सब, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है उनका, ठीक है। पूजा वगैरह की जाती है। तो महाशिवरात्रि को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हिदत, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस स्लाइड में आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन से आगे? एक आ गया लोहड़ी वाला, ठीक है, कि लोहड़ी जो है उसको साउथ इंडिया में कहा जाता है, आप बोलोगे पोंगल कहा जाता है। दूसरा इसमें आ गया कि ये कब मनाई जाती है, 13 या 14 को। और तीसरा आ गया हमारा महाशिवरात्रि जो है उसको कश्मीरी में क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे हिरत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई इस तरीके से मनाई जाती है पूरा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाती है हमारी जम्मू कश्मीर का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जिसका नाम है बैसाखी। क्या नाम है बच्चे? बैसाखी। ये जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। और कहा जाता है कि जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, उसी के नाम पर ये बैसाखी जो है वर्ड पड़ा है। बैसाख महीना हम बोलते हैं, बैसाख महीना, ठीक है, उसी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ये माना जाता है, ये जो बैसाखी का फेस्टिवल है हमारे हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, और हमारे सिख भाइयों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सिखों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसी दिन श्री गोविंद सिंह जी ने, जो कि हमारे सिख भाइयों के 10th गुरु हैं, ठीक है, 10th गुरु साहब हैं, ठीक है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इसी दिन बैसाखी वाले दिन ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और कब की थी? 1699 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किस दिन की गई थी, ठीक है।
किस दिन की गई थी, तो आप बोलोगे बैसाखी वाले दिन की गई थी, और एयर जो है 1699 वाला माना जाता है, ठीक है, इसी दिन की गई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ, जो कि कौन सा है, नवरात्रा फेस्टिवल, ठीक है। ये जो नवरात्रि है ना, जम्मू में नवरात्रों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका, ठीक है। अब जम्मू में सबसे ज़्यादा नवरात्रि के टाइम पे जो मतलब जगह खूबसूरत बनाई जाती है, वो आती है हमारी माता वैष्णो देवी का जो मतलब गुफा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाई जाती है। या फिर मैं बात करता हूँ कटरा बेस कैंप की, तो कटरा बेस कैंप भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, लोग स्पेशल मतलब पूरे कहीं ना मतलब बाहर की, ये जो हमारी कंट्री है, ठीक है, बाहर की स्टेट से आकर यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कटरा माता वैष्णो देवी की गुफा में यात्रा वगैरह करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस आती है कटरा में ही सेलिब्रेट, मतलब ऐसे सेलिब्रेट तो हर जगह किया जाता है, लेकिन कटरा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया होता है, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब है वैष्णो माता के टाइम पे, यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पूरे के पूरे कंट्री से आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल जा यार, क्या हो गया। हाँ, अब आते हैं बच्चे हम अपने जम्मू के एक और इंपॉर्टेंट मेला की तरफ, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला, जो कि कौन सा है बच्चे, परमंडल मेला। कौन सा है बच्चे, परमंडल मेला, ठीक है। ये जो है ये महाशिवरात्रि के दिन पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो परमंडल मेला जो है ये महाशिवरात्रि के दिन पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पे, परमंडल टाउन में, ठीक है। किस पे, परमंडल टाउन में, ठीक है। और ये बहुत, ये जो फेयर होता है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त मेला लगाया जाता है, ये देख लो, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मेला जो है वो लगाया जाता है कहाँ पे, परमंडल टाउन में। और ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पता है किसका बनता है, जब वो सेरेमनी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, किसकी, भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी की, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे लोग आए होते हैं, दर्शन वगैरह करने के लिए आए होते हैं। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में, ठीक है। ये शिव, जो शिव पार्वती पार्वती जी का जो शिव विवाह होता है वो जब चलाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोग देखने आए होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक और अपने फेस्टिवल की तरफ, जिसका नाम है चैत्र चौदस फेस्टिवल। ये उत्तर बहनी में मनाया जाता है, ठीक है, उत्तर बहनी में मनाया जाता है। उत्तर बहनी कितनी दूर है हमारे यहाँ से, कुछ 25 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है बच्चे, ये मनाया जाता है नवरात्रों में, ठीक है, नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा के लिए, ठीक है, माता दुर्गा की पूजा के लिए ये मनाया जाता है नवरात्रों में। और ये कहाँ पर मनाया जाता है बच्चे, उत्तर बहनी में, ठीक है। अब इसके पहले मैं शिवकोड़ी वाला करवाता हूँ, फिर उसके बाद इस स्लाइड के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो वापस आपको बताता हूँ। ये जो फिर एक लास्ट आ जाता है हमारा शिवखोड़ी फेस्टिवल, ठीक है। ये शिवखोड़ी फेस्टिवल आता है, ये कब, यहाँ पे फेस्टिवल जो है वो कब और मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो किया जाता है महाशिवरात्रि के पर्व पे, ठीक है। कब किया जाता है बच्चे, महाशिवरात्रि के पर्व पे, ठीक है, जब वो भी कहाँ पे, होली, जो कि हमारी शिवगढ़ी की जो पवित्र गुफा है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है महाशिवरात्रि के पर्व पे। और ये जो शिवखोड़ी की पवित्र गुफा है वो कहाँ पे है, रनसू विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी। ये जो एक आगे ना, ये जो एक इतना सा पैराग्राफ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह निकल सकते हैं, ठीक है। ये जो शिवखोड़ी की गुफा है, शिवखोड़ी की गुफा का माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, कहाँ से, अमरनाथ जी की गुफा से भी इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये माना जाता है। और ये शिवखोड़ी की गुफा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे देश से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शिवखोड़ी की पवित्र गुफा को देखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड की, तो इसमें कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे, सबसे पहले आ गया परमंडल मेला जो है वो कब, किसके ओकेजन पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि जिस दिन होती है उस दिन परमंडल में मेला लगता है। परमंडल कहां पे है, जम्मू में है, ठीक है। और यहां पे जो सबसे बड़ा मतलब जब शिव विवाह वगैरह करवाया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, ठीक है। ये आगे हमारे दो ऑब्जेक्टिव, पहला आ गया कि महाशिवरात्रि वाले दिन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, कहाँ पे करवाया जाता है, परमंडल टाउन में, ठीक है। परमंडल टाउन कहाँ पे है, जम्मू में, ठीक है। तीन ऑब्जेक्टिव्स ये हो गए। उसके बाद आता है चैत्र चौदस फेस्टिवल, ठीक है। ये उत्तर बैनी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उत्तर बैनी कितनी दूर है जम्मू से, सिर्फ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नवरात्रों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और किसकी आराधना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, माता दुर्गा की, ठीक है, माता दुर्गा की आराधना में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा शिवखोड़ी फेस्टिवल, जो शिवखोड़ी फेस्टिवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबसे पहले आ जाता है ये
किसके मतलब कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये कहा ये भी करवाया जाता है महाशिवरात्रि पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, शिवखोड़े की जो पवित्र गुफा है वो कहाँ पे है, वो आ जाती है रनसो विलेज में है, जो कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ठीक है। मैंने इस स्लाइड से ना कम से कम 7-8 MCQs दे दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 8 में से ना डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछा ही गया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो इसको पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह मारना है, स्क्रीनशॉट मार लो, जिस तरह भी नोट करना है कर लो, और इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना है ये सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग झिड़ी मेला की तरफ, ठीक है। झिड़ी मेला जो है वो पूरे जम्मू में फेमस है, जम्मू में बहुत ज्यादा फेमस है हमारा झिड़ी का मेला, ठीक है। तो झिड़ी जो है, विलेज झिड़ी जो है वो 20 किलोमीटर दूर है जम्मू से, अखनूर रोड के ऊपर आ जाती है झिड़ी का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये मेला कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा पे, जो कि कब होती है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर में हो जाती है, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव आता है कि ये जो मतलब झिड़ी मेला है वो कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो पहला तो आ गया सीधा कार्तिक पूर्णिमा पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा कब होती है, या तो लास्ट में होती है अक्टूबर के, या फिर अर्ली नवंबर में हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब किसकी पूजा करने जाते हैं, किन की हम पूजा करने जाते हैं, तो वो आ जाते हैं बाबा जीतो जी की, ठीक है। बाबा जीतो जी की पूजा करने जाते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब एक बहुत ही मतलब एक पवित्र स्थान माना जाता है हमारे जम्मू का, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको झिड़ी मेला कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा बाहू फोड़ मेला। ये तो हर बंदा नोन है, हर एक बंदा इस चीज़ से नोन है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये रामनवमी पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारे मतलब कहते हैं हजारों की भीड़ में जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए, ठीक है। बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जैसे ये जो बाहू फोर्ट है वहाँ पे काली माता की अंदर मंदिर है, काली माता का अंदर मंदिर है, और ये जो उनकी मूर्ति वगैरह स्थापना हुई है, तो वहाँ पे ही सारे दर्शन करने जाते हैं, हजारों की भीड़ में वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ पे दर्शन तो होते हैं, उसके बाद एडवेंचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जैसे झूले वगैरह बनाए होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है इस फेस्टिवल वाले दिन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मानसर फूड एंड क्राफ्ट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फेयर है जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर टूरिज्म वाले, ठीक है। मानसर का जो हमारी झील आती है, मानसर की जो झील है उसके पास कि उसमें एक फेयर लगता है, 3 दिन का ये जो फेयर होता है वो लास्ट करता है, 3 दिन तक मेला चलता है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है बच्चे, इसको करवाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज्म वाले, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है बैसाखी के टाइम, ठीक है। ये बैसाखी के टाइम पे होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस स्लाइड से मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। एक आ जाता है झिड़ी मेला, झिड़ी मेला जो है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो कार्तिक पूर्णिमा पे किया जाता है, ठीक है। और किन की ब्लेसिंग्स लेने हम जाते हैं, बाबा जीतो जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर बाहू फोर्ट का जो मेला होता है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, रामनवमी पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इस टाइम पे टूरिज्म होता है वहाँ पे। और एक आ जाता है मानसर फूड एंड क्राफ्ट, ठीक है। ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बैसाखी पे किया जाता है मानसर लेक के ऊपर, ठीक है। मानसर लेक के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये मेला कितने दिन लास्ट करता है बच्चे, ये मेला लास्ट करता है सिर्फ 3 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, लास्ट स्लाइड आ जाती है हमारी, इसमें हमने पढ़ने हैं 3, ठीक है। एक आ जाता है हमारा खीर भवानी मेला, ठीक है। ये हमारे कश्मीर का एक बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है, ठीक है। ये खीर भवानी मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, तुलमुल विलेज, जो कि कहाँ पे है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पे भाइयों, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलमुल विलेज जो है वो कहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं खीर भवानी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है। तो आप बोलोगे कहाँ पे लगता है, तुलमुल विलेज, जो कि कहाँ पे है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और किनकी आराधना मतलब किनकी पूजा में लगता है, रगन्या देवी की, ठीक है। ये हमारी हिंदू गॉडेस हैं, ठीक है। इनकी मतलब आराधना में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने जितने भी यार मैंने ज़्यादा आपको थ्योरी वगैरह नहीं दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैंने उसी पॉइंट से आपको नोट्स बना के दिए हैं ये वाले, ठीक है। इसमें खीर भवानी मंदिर जो है पहला तो आ गया सीधा तुलमुल विलेज में होता है, इसका मेला लगता है तुलमुल विलेज कहाँ पे है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और किनकी पूजा में लगता है, ठीक है, किनकी आराधना में लगता है, रगन्या देवी जी की आराधना में लगता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ, जो कि आ जाता है हमारा पहलगाम फेस्टिवल, ठीक है। पहलगाम फेस्टिवल जो है ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे, ठीक है।
अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे पहलगाम फेस्टिवल लगता है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट कहते हैं ना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में निखर के आता है, ठीक है। इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं, राइड्स वगैरह होती हैं, कल्चर की हेरिटेज शो करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर अट्रैक्ट किए जाए, ठीक है। अब लास्ट हम अपने जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल की तरफ आते हैं, वो कौन सा होता है? सैफरॉन फेस्टिवल। कौन सा होता है बच्चे? सैफरॉन फेस्टिवल, जो कि सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है पंपोर में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे? पंपोर में, ठीक है। ये 3 दिन तक लास्ट करता है, मतलब 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। और इसमें जितने भी मतलब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, किसके लिए? मतलब हमारे जो फार्मर्स भाई हैं उनको बताया जाता है कि ये जो मेडिसिनल वैल्यूज क्या होती हैं इसकी, सैफरॉन की। फिर और भी बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, जो कि सैफरॉन फेस्टिवल की बहुत ज़्यादा एक चार चांद लगा देता है, ठीक है। अब मैंने इस स्लाइड में बताया आपको, मैंने जितने भी यार ये इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे आपको बता दिए हैं। और ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर नहीं दिया है, ठीक है। मैंने उतना ही दिया है जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला तो आ जाता है खीर भवानी मेला जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? वो ऑर्गेनाइज किया जाता है तुलमुल विलेज में, जो कि कहाँ पे है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये किसकी आराधना में मतलब किसकी पूजा में किया जाता है? रगने देवी जी की, जो कि एक हिंदू गॉडेस हैं, ठीक है। और हमारे कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। हिंदुओं के लिए तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है पर उनके लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है पहलगाम फेस्टिवल। पहलगाम फेस्टिवल जो है ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, स्प्रिंग, समर, विंटर या फिर ऑटम, ठीक है। तो उसमें आप बोलोगे कि जो स्प्रिंग है वही आता है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? पंपोर में। और दूसरा, यहाँ पे कितने दिन तक ये फेस्टिवल चलता है? तो ये चलता है सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है। मैंने आपको बच्चे पूरा का पूरा लेक्चर दे दिया है, इसमें मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया, इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि किस तरीके से हमारे जम्मू में इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं या फिर फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में? उर्स के बारे में, ठीक है। इसको ज़ियारत भी बोला जाता है, जो बड़े बड़े सूफी संत होते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है। ईद के बारे में बताया था, ईद के बारे में हार बंदा नोन है। ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए बताया कि एक इंपॉर्टेंट रिकॉल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में, जो कि कहाँ पे है बच्चे? जो कि है हमारे श्रीनगर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो भी आपको मार्क करके दे दिए हैं कि ये भाई इंपॉर्टेंट थे, और ये बिल्कुल कंपाइल्ड नोट्स हैं, ठीक है। इसमें ये जितने इंपॉर्टेंट है मैंने उतना ही लाया हुआ, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा शिकारा फेस्टिवल, जो कि डल लेक में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ सारा, ठीक है। फिर लोहड़ी है, लोहड़ी को साउथ में क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है, क्विक रिकैप है ये, ठीक है। उसके बाद ये 13 या फिर 14 को मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है। फिर महाशिवरात्रि, जिसको कश्मीरी भाई हमारे कश्मीरी लैंग्वेज जो है उसमें कहा जाता है हिरत। क्या कहा जाता है बच्चे? हिरत, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैसाखी। बैसाखी जो है इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर नवरात्रा फेस्टिवल आता है। नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए पवित्र माने जाते हैं या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट माने जाते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ पे और सबसे ज़्यादा इसकी जो कहते हैं चमक धमक जो देखनी होती है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? कटरा में, ठीक है। उसके बाद आता है परमंडल मेला। परमंडल मेला जो है वो किस ओकेजन पे किया जाता है? लगता है वहाँ पे महाशिवरात्रि के ओकेजन पे, जो कि परमंडल टाउन में होता है। परमंडल टाउन कहाँ पे है? जम्मू के पास ही है, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पे जब शिव विवाह कराया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा उसके लोग दर्शन करने आते हैं, ठीक है। फिर चैत्र 14 फेस्टिवल आ जाता है। ये जो है ये उत्तर बैनी में होता है, ठीक है। और ये किसकी आराधना में होता है? गॉडेस दुर्गा की, ठीक है। शिव खोड़ी वाला, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है ना यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। शिव खोड़ी वाला जो है वो कब मतलब मेला जो फेस्टिवल है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? वो करवाया जाता है महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि पे शिवखोड़ी में कहता है। शिवखोड़ी है कहां पे है? ये रंसू विलेज में है, जो कि रंसू विलेज हमारा कहां पे है? कहां पे बच्चे? डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जो है इसको देखने आते हैं। फिर आता है झिड़ी मेला। झिड़ी जो है वो जम्मू में है, अखनूर रोड वाली साइड, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा पे ये जो मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये किसकी आराधना में किया जाता है? बाबा जीतो जी की, ठीक है। फिर उसके बाद बाहुफोड़ मेला जो है वो कब लगता है? रामनवमी पे लगता है, और बावे वाली माता के दर्शन करने ऑलमोस्ट सारे ही आते हैं जम्मू से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मानसर फूड एंड क्राफ्ट, ठीक है। मानसर लेक जो है उसके वहाँ पे भी मेला लगता है, ठीक है। ये लगाते कौन है? जम्मू कश्मीर टूरिज्म वाले। बैसाखी पे ये मेला लगाया जाता है और ये 3 दिन मेला लगता है, ठीक है। फिर आ जाता है खीर भवानी मेला।
जो कि तुलमुल विलेज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, और किसकी आराधना में लगाया जाता है, रगन्य देवी जी की आराधना में लगाया जाता है, ठीक है। फिर आता है पहलगाम विलेज, ठीक है, पहलगाम फेस्टिवल आता है, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, इस अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे लगाया जाता है। और फिर आता है हमारा लास्ट सैफ्रन फेस्टिवल जो कि पंपोर में होता है, और ये 3 दिन तक लास्ट करता है, ठीक है। ये इतनी बार मैंने इसलिए आपको बताया कि मेरे बोलते बोलते ना आपके माइंड में सारे के सारे इससे रिकॉल होते जाना चाहिए, ताकि आप नोट्स तो वैसे बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट्स वगैरह बनाओ, लेकिन आपके माइंड में ना मतलब इसी लेक्चर के अंदर आपको साथ साथ ही सारा सारा याद हो जाए कि अगर मैं अभी आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछूं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी नई सीरीज जो है आज वो स्टार्ट करवा दी है, जो कि हमारी कल्चर बताती है जम्मू कश्मीर का। इसमें 4 से 5 लेक्चर्स बनेंगे जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कल्चर जो है हमारे जम्मू कश्मीर का समझा दूंगा। नेक्स्ट जो होगा हमारा डांस के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, आर्ट वगैरह, ये सारा का सारा बताऊंगा, जिसके बाद आपका कल्चर जो है वो जम्मू कश्मीर का वो सारा सारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जैसे हम करवाते हैं, फाइनल स्टेप जो होता है वो हमारा एमसीक्यूज का होता है, ठीक है बच्चे। इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना, और ये बहुत ही इसके नोट्स वगैरह जरूर बनाना, क्योंकि ये डेफिनेटली इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।